स्वागत है दोस्तों आपका और हमारे अपने चैनल फिल्मियम में। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के टू बिग खान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान और शाहरुख खान की अपकमिंग मूवीज के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सलमान खान की लेटेस्ट मूवी आने वाली है दोस्तों, किसी की भाई किसी की जान। इसमें आपको सलमान खान रोमांस करते दिखेंगे पूजा हेगड़े के साथ और शहनाज गिल का छोटा सा कैमियो भी दिखेगा। यह मूवी रिलीज होगी 21 अप्रैल 2023 की। इसको डायरेक्ट किया फरहाद समजी ने। चलिए बात करते हैं शाहरुख खान की लेटेस्ट मूवी। जी हाँ दोस्तों, पठान। इसमें आपको शाहरुख खान रोमांस करते दिखेंगे द वन एंड ओनली बॉलीवुड की क्वीन दीपिका पादुकोण के साथ और विलेन में आपको भी दिखेंगे जॉन अब्राहम। यह मूवी रिलीज होगी दोस्तों 25 जनवरी 2023 को। इसको डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए दोस्तों बात करते हैं सलमान खान की सेकंड लेटेस्ट मूवी कमिंग, टाइगर 3। जी हाँ दोस्तों, इसमें सलमान खान आपको रोमांस करते दिखेंगे कटरीना कैफ के साथ और मिलेंगे आपको इमरान हाशमी एज अ विलेन। यह मूवी रिलीज होगी 10 नवंबर 2023 को। इसको डायरेक्ट किया है मनीष शर्मा ने। चलिए दोस्तों बात करते हैं शाहरुख खान की सेकंड लेटेस्ट अपकमिंग मूवी। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है जवान। इसमें आपको शाहरुख खान रोमांस करते दिखेंगे साउथ के क्यूट एक्ट्रेस नयनतारा के साथ। दोस्तों यह मूवी रिलीज होगी 2 जून 2023 को। इस मूवी को डायरेक्ट किया है साउथ के मार्क्स एक्शन डायरेक्टर द वन एंड ओनली अटली। अब हम बात करेंगे सलमान खान की तीसरी लेटेस्ट मूवी। जी हाँ दोस्तों, बजरंगी भाईजान 2। इसकी रिलीज डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है लेकिन डायरेक्टर ने बता दिया कि यह मूवी बनने के लिए तैयार हो गई है। शाहरुख खान की लेटेस्ट थर्ड मूवी। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है डंकी। यह कॉमेडी मूवी होने वाली है। यह मूवी रिलीज होगी 12 दिसंबर 2023 को। इसको डायरेक्ट किया है वन ऑफ द कॉमेडियन डायरेक्टर ऑफ इंडिया राजकुमार हिरानी। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट रहेगी और कौन सी मूवी सुपर डुपर फ्लॉप, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फिल्मी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इंतजार रहेगा आपका।